ओके सो हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज के वाला वीडियो, जैसा कि आप लोग टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन और थंबनेल सब कुछ देखकर समझ गए होंगे कि ये वीडियो जो है वो पबजी मोबाइल पे रहने वाला है। एंड ये वीडियो में मैं कवर करूँगा पबजी मोबाइल से रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, जो कि है पबजी मोबाइल रिटर्न टू इंडिया, उसको लेके। एंड आई नो आप लोग अभी कमेंट लिख रहे होंगे कि भाई वीडियो आपने लेट डाली है, 2 दिन पहले की ये न्यूज़ है, बट मैं आज डाल रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है गाइस कि मैं किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख के आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता था। सो मैंने अच्छी तरह से 2 दिनों तक इस बात पे देखा, रिसर्च किया कि क्या न्यूज़ सही है या गलत। एंड फाइनली ये चीज़ निकल कर आ रही है कि न्यूज़ जो है वो सच है। एंड इस न्यूज़ में कोई भी ज़्यादा कुछ भी फ्रॉड नहीं है। जैसे कि आप लोग मुझे जानते ही हो, मैं कोई भी न्यूज़ फेक नहीं देता। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी वैलोरेंट इंडियन सर्वर पे, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुई, 3000+ उस पर व्यूज़ थे, लेकिन उस पर काफ़ी ज़्यादा डिसलाइक्स थे, क्योंकि उस वीडियो को लेकर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि भाई आप गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो, जबकि इंडिया का सर्वर जो है वो नहीं आने वाला। बट गाइज, मैंने उस वीडियो में कन्फर्म बता दिया था कि इस अपडेट के साथ इंडिया का सर्वर आएगा, और उस अपडेट में इंडिया का सर्वर आया। तो यार, मैं कभी भी आपको फेक न्यूज़ प्रोवाइड नहीं करूँगा, इस बात की आप गारंटी ले सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में फर्स्ट हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स क्रीड़ा के आर्टिकल पे, जो कि मैं हमेशा मैक्सिमम वीडियोस में जिसके आर्टिकल्स कवर करता हूँ वो है स्पोर्ट्स क्रीड़ा। बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट है गेम्स को लेकर, मोबाइल गेम, पीसी गेम्स, तो आप इसके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। सो इसमें इन्होंने लिखा है कि पबजी मोबाइल्स रिटर्न टू इंडिया कुड बी अनाउंस्ड एज सून एज अर्ली दिवाली। और इनमें इस वेबसाइट में इन्होंने बताया है कि पबजी मोबाइल जो है, पबजी मोबाइल की जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी है उसमें वापसी हो सकती है बहुत ही ज़्यादा जल्दी। एंड डेट्स जो है वो निकल कर आ रही है 15 नवंबर 2020 की, और वो डेट इसीलिए 15 नवंबर है, 15 नवंबर को जो है वो लॉन्च नहीं होने वाला, बट क्या है कि उसका जो बैन है वो हट जाएगा, क्योंकि इन्होंने, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बैन होने के बाद में टेंसेंट से अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी थी। तो अब पार्टनरशिप जो है वो किसके साथ में इन्होंने करी है, पहले बात चल रही थी जियो के साथ में, और तो जियो के साथ जो बात चल रही थी वो नहीं हो पाई है। दूसरी बात, एक बार रिलायंस के साथ भी चली थी, वो जियो ही मान सकते हैं हम। तो फाइनली इन्होंने जो पार्टनरशिप की है वो करी है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। तो वो चीज़ मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द बैन ऑफ पबजी मोबाइल विल बैक इन सेप्टेम्बर 2020। जैसा कि हम लोग को पता है 2020 में ये जो है बैन हो गया था, एंड उसके बाद से पबजी मोबाइल इंडिया अनबैन डेट र्यूमर, जो कि र्यूमर चल रहा था वो एकदम सच न्यूज़ है। नवंबर 15 को न्यू पब्लिशर अनाउंस हो जाएगा इसका, मतलब इसके जो पब्लिशर होंगे वो कौन होगा। और 2 दिसंबर को जो है डेटा ट्रांसफ़र। अब डेटा ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि जो सर्वर्स पे डेटा है, जो टेंसेंट के सर्वर पे जो भी डेटा था प्लेयर्स का, वो जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। एंड थर्ड जो है वो है मेजर अनाउंसमेंट, जो कि 2 से 15 नवंबर के बीच जो है मेजर अनाउंसमेंट होगी, रिलीज डेट वगैरह हमको सब कुछ मिल जाएगा इस तक, 2 दिसंबर तक हमको रिलीज डेट वगैरह सब कंफर्म हो जाएगी। एंड दिसंबर टू जनवरी के बीच में कभी भी जो है हमारा पबजी मोबाइल, प्यारा प्यारा पबजी मोबाइल वापस आ सकता है। सो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कोलैब इन्होंने किया है वो किया किसके साथ में है। सो इन्होंने जो कोलैब किया है वो किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। जी हाँ गाइज, वही माइक्रोसॉफ्ट जिसके आप लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं। द रीसेंट कोलेबोरेशन विथ माइक्रोसॉफ्ट माइट बी द बिगेस्ट हिंट ऑफ पबजी मोबाइल रिटर्निंग टू इंडिया इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है पबजी मोबाइल को लेकर, और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कि आप लोगों को पता है एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, तो चाइना का इसके साथ कोई भी संबंध नहीं है। और फाइनली इसके बाद में यहाँ पे पबजी मोबाइल जो है वो इंडिया में फाइनली दोबारा लॉन्च होने वाला है, ये एक कंफर्म न्यूज़ है। सो बस यही बात थी, पबजी मोबाइल प्रो फॉर TSM एंटिटी, जो कि हमको पता है जोनाथन की जो क्लैन है वो है। तो गाइज, बहुत ही एक अच्छी बात है हम सभी गेमर्स के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है गेम जो है पबजी, उन्होंने पबजी गेम ने बहुतों का गेमिंग करियर जो है यूट्यूब पे, ट्विच पे, काफ़ी जगह पे पबजी मोबाइल ने बहुत सारे लोगों का गेमिंग करियर, गेमिंग लाइफ बोल सकते हैं, या फिर एक करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो पबजी मोबाइल ने आप इस काफ़ी लोगों को दी थी। एंड फाइनली वो गेम जो हमारा वापस आ रहा है, और मैं पर्सनली भी इस गेम की स्ट्रीम करता था, एंड वापस आएगा तो मैं ज़रूर करूँगा। अभी करेंटली मैं वैलोरेंट की स्ट्रीम्स करता हूँ,
अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं। और बस यार आएगा तो वापस से अपन खेलेंगे, मज़े करेंगे सभी लोग। एंड वीडियो बढ़िया लगी तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को, और मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो मिलता हूँ। बाय बाय।